अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ गारदू नॉर्थ, यहाँ का नॉर्थ स्टेशन है। इसके बाहर ही अरबियों का और पाकिस्तानियों का बाज़ार है, मतलब यहाँ पे उनकी शॉप्स वगैरह हैं, अबाए वगैरह, हिजाब वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए हो, वो नजान माजे वगैरह, कुरान पाक चाहिए हो, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उनका स्टेशन है, इसको हम फ्रेंच में कहते हैं रू दी ब्राबान, उस बाज़ार को कहते हैं रू दी ब्राबान। ये स्टेशन है, नॉर्थ स्टेशन इसको कहते हैं, और जो बाज़ार है उसको हम कहते हैं रू दी ब्राबा। स्टेशन के अंदर शॉप्स वगैरह भी हैं, तो चॉकलेट शॉप है, परफ्यूम की शॉप, यहीं से ट्रेन्स भी चलती हैं, उनके टाइम्स वगैरह आ रहे हैं, टाइमिंग वगैरह के। जी आ गया है रू दी ब्राबान। नॉर्मली ये होलसेल, यहाँ पे होलसेल दुकानें भी हैं जो होलसेल का सामान बेचती हैं। ये इधर और मोलम्बिक, मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था मोलम्बिक, उधर भी होलसेल का पूरा सामान मिलता है। और एक और जगह है रू दी ब्रूनी, उधर कपड़ों का पूरा होलसेल, कपड़े ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ का होलसेल है। लेकिन इधर रू दी ब्रूनी में हम लोग एक एक चीज़ नहीं ले सकते, लेकिन मोलम्बिक और रू दी ब्राबा में ले सकते हैं। इतने मज़े मज़े के जूते हैं, ये जानमाजे वगैरह पड़ी हुई हैं, सस्ती वगैरह। इसमें मरोकनों का ताजीन बनता है। देखें जी कितने हसीन ड्रेसेस, हलाल। मरोकियों की बेकरी और ये इनका कदाइफ। तुर्कों से थोड़ा मिलता जुलता, ये तो वो है जो मैंने बनाया था, इसकी मैंने रेसिपी भी लगाई है ऑनलाइन। ये था मेरा आज का व्लॉग रू दी ब्राबान का। उम्मीद है कि आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।